अस्सलाम वालेकुम जैद साहब। अस्सलाम वालेकुम सभी को। और भाई क्या हाल है आप सभी के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? देखा आपका टॉपिक, देखा मैंने हिजाब से प्रॉब्लम या ऐसे क्या टॉपिक, दोबारा पूरा बोला जनाब। क्या टॉपिक है? गुड क्वेश्चन। नहीं हिजाब से टॉपिक ये टॉपिक है जी। नहीं मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो खैर ना हिजाब से प्रॉब्लम है ना किसी और से, जो जबरदस्ती वाला सिस्टम है ना इससे प्रॉब्लम है। कैसे ना, अभी देखो कोई लेडी हो लड़की हो जो भी है, अभी मान लो वो मुस्लिम मोहल्ला है और वो फुल कपड़े पहन रखी हो, बस ये हो कि भाई कि हिजाब नहीं है बस या पूरा नकाब नहीं है, तो उसको भी अलग ही निगाह से देखा जाता है, तो ये गलत है ना ये। ओके सवाल कर लीजिए, बोला कहते सवाल आप बोल दीजिए फिर बताते हैं जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे मुस्लिम मोहल्लों में मैं देखा हूँ, मेरा देखा कि मैं रहता भी हूँ, खैर कि अब कोई लड़की जैसे हिजाब नहीं पहनना चाहती है या पूरा नकाब पूरा कवर नहीं होना चाहती है, लेकिन बाकी सूट बूट से पूरा ड्रेस रहता है, तो जब बिना नकाब के निकलती है तो लोग अलग ही निगाह से देखते हैं और बताओ नकाब नहीं पहन रखी है, और कुछ लोग उल्टे पलटे कमेंट करना है, क्या ये चीज दुरुस्त है? एक बात मुझसे एक आ, 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 मतलब असल में क्योंकि बैकग्राउंड नहीं पता होता तो समझ में नहीं आता है, मुझे ये बताइए अगर कपड़ा ही ना पहन के निकले तो, कपड़ा ही ना पहने ऐसे ही निकल जाए न्यूट, तो अगर कोई किसी को एतराज खा के कि नहीं उस पर? नहीं अगर कपड़ा ही ना पहने तो भाई जिसके मोहल्ले के घर घर के सामने से गुजरेगा तो टोकेगा ही। क्यों टोके? क्यों, क्योंकि उसे अपना माहौल खराब नहीं करना, उसे अपने घर का माहौल खराब नहीं करना। क्यों माँ, कपड़ा नहीं पहनने से क्यों माहौल खराब होता है? उसका हक है भाई, नहीं पहनना चाह रही है तो कपड़ा नहीं पहनने से क्यों माहौल खराब होता है? जिन मुल्कों में होगा ये वहाँ चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इंडिया में ऐसा नहीं है ना। इंडिया में मुल्कों के हिसाब से तय होगा, आपके हिसाब से मुल्कों के हिसाब से तय होगा कि इंसान की अपनी चॉइस है, मुल्क तय करेंगे कि कितना कपड़ा पहनना चाहिए? हेलो मतलब कौन तय करेगा औरत को कितना कपड़ा पहनना चाहिए? बात तो वही हो गई, आप कह रहे हैं मुल्क तय करेंगे, हाँ और कह रहे हैं मोहल्ले वाले तय नहीं करेंगे, तो मतलब मोहल्ले में और मुल्क में क्या फर्क है? मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बातें मत सर, माइक ऊपर लीजिए शेख सरफराज, आप बात से पलटिए मत। आपने क्या बोला, मुल्क वाले को एतराज मुल्क में नहीं है, तो यानी मुल्क वाले अगर मना करें तो नहीं कर सकती, अलबत्ता मोहल्ले वालों को हक नहीं मना करने का, ये बोल रहे हैं आप? मुल्क वालों को एक सभ्य समाज में, एक सभ्य मतलब समाज में, अरे सुनो तो सर जी, एक सभ्य पहले आप बोलो तो सल्ले से फिर मैं बोलता हूँ। तो सभ्य का मतलब क्या होता है तो बताइए आप मुझको। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, एक सभ्य समाज में यहाँ खासकर अपने इंडिया के समाज में नंगा घूमना कोई सही माना नहीं जाता, बाकी ठीक अगर मेरे घर के सामने कोई नंगा जा तो जाता रहे, और बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि मोहल्ले वालों का एतराज गलत है तो समाज का एतराज सही कैसे हो गया? जी मोहल्ला और समाज एक ही बात होती है, कुछ और भी होता है। तो ठीक है, अगर किसी मोहल्ले में नकाब पहन बगैर नकाब पहने भी औरत को नहीं अच्छा समझा जाता है, तो आप तो खुद ही तस्लीम कर रहे हैं, आप खुद समाज को हक दे रहे हैं कि समाज इतराज कर सकता है, तो ठीक है। समाज इन्होंने सभ्य समाज जो कहा ना, सभ्य यानी सिविलाइज्ड, कोई सिविलाइज समाज में वो कहते हैं कि अलाउड नहीं है कि कपड़ों में। जैद भाई मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ खुद ही, नहीं नहीं ये खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि समाज एतराज कर सकता है ना, तो समाज अगर नंगा होने पे एतराज कर सकता है तो समाज बगैर नकाब होने पे भी एतराज कर सकता है। सिविलाइज नहीं, अगर अगर बगैर लिबास में चल सकते हैं, अनसिविलाइज में चल सकते हैं, सिविलाइज में नहीं। अगर अगर आप लोग अगर नकाब की तुलना डैड नंगेपन से कर रहे तो फिर तो बात ही अलग है, बाकी मेरी निगाह में क्या है नकाब और नंगे के बीच में और भी कपड़े होते हैं। देखिए हमारे लिए तो इतना काफी है कि एक मुसलमान औरत को हम इसलिए नहीं, हम सभ्य वगैरह नहीं जानते, हम औरत को नकाब इसलिए पहनने के लिए बोलते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नकाब पहनो, हमारे लिए सभ्य समाज वही समाज है जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी की जाए, अल्लाह ताला ने जो कहा है वो किया जाए। आप समाज तो अगर मतलब कोई सूट कोई अगर सूट बूट में आपके लिए अगर समाज क्राइटेरिया है तो आप ये बोलिए ना कि समाज जो है वो, तो फिर अगर किसी समाज में क्राइटेरिया है कि नकाब नहीं पहन नकाब पहनती औरतें तो फिर समाज, आपने खुद हक दे दिया समाज को एतराज करने का,
उन्होंने सर जी यहाँ थोड़ी मर्जी वाली बात भी होती है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब किसी को जबरदस्ती खूंटा ठोक दो। आपने तो बोला कि समाज सभ्य समाज को इतराज कर सकता है। आप ईमानदारी से बताइए, सूट बूट सही कपड़ा है या नहीं है? अगर नकाब ना पहने कोई सूट बूट पहने तो सही कपड़ा है या नहीं है? सही और गलत में फर्क कैसे किया जाता है? मतलब आपकी उन पे निगाह जाती है, वो लानत के हकदार हैं या नहीं है, ये इस हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। मैं सही गलत का फैसला दीन से करता हूँ, अपने रिलीजन से। आप सही गलत का फैसला किससे करते हैं? हम तो अपनी समझ से करते हैं सर जी। समाज से कि समझ से? समझ, समझ। आपकी समझ क्या बोलती है? हमारी समझ में तो भाई ठीक है, अगर कोई अपने हिसाब किताब से कपड़े पहना ठीक, जरूरी थोड़ी त्रिपाल ओढ़ के चले। आप अपनी समझ अगर वो, हाँ, अगर वो अपने मन से ये भी देख लो, अगर वो अपनी समझ से, अगर कोई अपनी समझ से सोच रहा है कि उसकी समझ ये कहती है कि उसको हिजाब भी पहनना चाहिए तो उसको हक है, तो अच्छी बात है। अगर कोई आया देखो, अगर कोई अपने मन से पहन रहा है तो अच्छी चीज है। हाँ नहीं, मैं क्या बोलूँ, अगर कोई अपने मन से पहन रहा है तो अलग चीज है। समाज भी क्राइटेरिया है आपके लिए, समझ भी क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से। अगर और ये खुद ही कह रहे हैं समाज वालों को इतराज भी नहीं करना चाहिए, खुद ही बोल रहे हैं समाज वालों को इतराज भी करना चाहिए। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई खुद पहन रहा है रही है वो अलग मसला है, जबरदस्ती क्यों पहना है? जबरदस्ती मतलब क्या है आपके नजदीक? जबरदस्ती मतलब जो है तो आप जबरदस्ती करेंगे कि अलाउ करेंगे? गालिब भाई, जो बिना लिबास के नहीं, हम हिंदुस्तान में जबरदस्ती नहीं करते, हम कन्विंस कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में जबरदस्ती नहीं करते, हम कन्विंस करेंगे। कोई औरत अगर नकाब नहीं पहनती, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम उसको कुरान हदीस की दलील दे करके फायदा बता के कन्विंस करेंगे, हम जबरदस्ती नहीं करते। तो ये जो जो एक मिनट जो ये गालियां वगैरह देते हैं, ये कौन लोग हैं? जनाब जनाब, जो नकाब ना पहनने पे जो गालियां वालियां देते हैं, कौन लोग हैं? कन्विंस कर रहा है तो आपको एतराज नहीं है ना? नहीं, कन्विंस करिए, अच्छी बात है। कन्विंस हो जाए तो अच्छी बात है, बस ठीक है। तो हम लोग तो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि गाली देने वाले, हां लेकिन गाली देने वाले जी, आप ये सवाल का जवाब। मैं ये बोल रहा हूँ कि कन्विंस करिए, खुद मान जाए वो अलग मसला है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती कोई मतलब नहीं बनता ना। कोई खुद पहनना चाहे पहने, कोई मसला नहीं है उसे। तो हम भी कहते हैं जबरदस्ती का मतलब नहीं बनता, हमारे और आपके इस मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो वो लोग कौन है जो नकाब ना पहनने पे गालियां वगैरह देने लग जाते हैं, और क्यों देने लग जाते हैं? जो गाली देता है वो गलत करता है। देखो हम एकदम ऑन पूरी स्ट्रीम पे हम ऐलान कर रहे हैं कि जो नकाब नहीं पहनने वाली औरतों को गाली देता है वो गलत करता है। गालियां देना कोई इजाजत नहीं है, जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं है कोई यहाँ पर। जी इतना आपका बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब कभी भी कोई मुझे ऐसा बंदा दिखेगा ना तो मैं आप लोगों का ये क्लिप दिखा दूंगा कि आप तो इतना क्लिप कट करिए, आइंदा अगर कोई आपको देखे, आप देखें किसी को कि वो हिजाब पहनने वाली नहीं पहनने वाली औरत को गाली दे रहा है, उसको जाकर के बताइए। देखिए यहाँ पे दो लोग शेख ब्रदर जैद पटेल और तीन लोग बैठे हुए हैं उल्मा, आप बोलिए कि चारों लोगों ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि जो हिजाब नहीं पहने उसको गाली नहीं देना चाहिए, उसे कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, गाली नहीं दे सकते। हाँ नहीं, वो देखो कन्विंस करना अलग होता है, कन्विंस करना सबको पता है, अगर हम सामने वाले को बात में बना लेंगे तो अच्छी बात है। और क्लियर कर दूं, देखिए एक बात और मैं थोड़ी छोटी सी बात करूंगा कि हमारे मोहल्ले में अगर मुसलमान औरतें रहती हैं तो हम सिर्फ कन्वेंस तो करते हैं, साथ में उसको याद दिलाते हैं अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के रसूल का हुक्म, क्योंकि वो कलमा पढ़ती है, अल्लाह को मानती है, रसूल को मानती है, तो हम उसको बताते हैं कि भाई ये अल्लाह उसके रसूल को मानना जरूरी है। हम ऐसा नहीं जो मतलब गैर मुस्लिम औरतें हैं उनको उनके साथ भी जाके जो है सख्ती करते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो मुसलमान औरत है जो अपने अब हम उसको बताते हैं कि अपने मजहब को फॉलो करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, उसको अल्लाह ताला का हुक्म है, तो हम उसको बताएंगे कि अल्लाह ताला का हुक्म है, तुम्हें ये मानना जरूरी है, ऐसे ऑप्शनल नहीं कि चाहो पर्दा करो या ना करो। अल्लाह ताला अब ये है कि उसमें भी हम जाके कोई सख्ती नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं उसको, गाली नहीं देंगे, मानना जरूरी है, माने तो ऑप्शनल नहीं है। कहने का मतलब ये कि एक मुसलमान औरत के लिए ये ऑप्शनल नहीं है कि चाहे वो हिजाब करे या ना करे, चाहे हमारी अगर हिजाब ना करे तो चाहे करो या ना करो, हिजाब ना करे फिर हिजाब ना करे तो हम उसको बताएंगे ना, मुसलमान औरत हम उसको बताएंगे करना चाहिए, अगर हमारी बेटी है तो हम सख्ती करेंगे, हमारी बीवी तो सख्ती करेंगे, बाकी किसी और की लड़की को हम कुछ नहीं करते, उसको बताएंगे चलो समझ में आता है, उसके बावजूद भी अगर वो ना करे फिर नहीं करे तो उसकी मर्जी है भाई, नहीं करे तो नहीं, मतलब लेकिन हम उसको ऑप्शन नहीं देंगे कि चाहे करो या ना करो। आपकी बेटी हो
एक बात बताइए मिर्जा गालिब साहब, आपकी कोई बेटी हो वो पॉर्न इंडस्ट्री में काम करना चाह रही है अपनी चॉइस से, पॉर्न स्टार बनना चाह रही है, आप उसको क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे, कन्विंस करेंगे, या उसका जो करना चाहती है करने देंगे? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ, आपकी बेटी अगर एक पॉर्न स्टार बनना चाहती है, आप उसको करने देंगे जो वो करना चाहती है? आप कन्विंस करेंगे या जबरदस्ती करेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात, आपने मुझसे सवाल किया, आपने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब भी तो दूं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मैं समाज और समझ दो चीजें लेके चलता हूँ, तो हमारे यहाँ मेरी समझ से भी गलत है और समाज के हिसाब से भी गलत है। ठीक है, तो मैं क्यों इजाजत दूंगा? लेकिन नकाब ना पहनना और इजाजत नहीं दे, ठीक है, लेकिन आप सख्ती भी करेंगे और हमारी समझ के हिसाब से बगैर नकाब के निकलना भी गलत है, आप इन्हें सख्ती करेंगे ना? जनाब बोलने दो ना सर जी, आप लोग। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि नकाब ना पहनने की तुलना डायरेक्ट समझ में नहीं आया, आप करेंगे जबरदस्ती करेंगे या करने देंगे, क्या तीनों में से कौन सा? मैं अपना जवाब दे चुका हूँ, फिलहाल मुझे भी उसके बदले में सवाल पूछने दीजिए। नहीं, डायट जबरदस्ती है क्यों? क्योंकि आपकी समझ में, हाँ, क्योंकि मेरी समझ और मेरे समाज समाज दोनों के हिसाब से गलत है, समझ में है, किसी की समझ में और किसी के समाज में भी नकाब है, हमारे समाज में भी नकाब है, हमारे समाज में भी नकाब है, हमारी समझ में भी नकाब है, तो आप हमको थोक देते ना हमारी बेटियों पे जबरदस्ती करने का? आप ही का तय किया हुआ क्राइटेरिया है, तो आप हमको हक दे रहे हैं जबरदस्ती करने का ना अपनी बेटियों पे? मतलब आपकी समझ समझ, हमारी समझ कोई समझ नहीं, आपका समझ समझ, हमारा समाज समझ। सर जी बात खत्म नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट, नकाब सिर्फ नकाब हटने की बात हो रही, सूट बूट कुछ भी पहन रखी हो? रुकिए तो सही, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ नकाब उतारने की तुलना, आप एक बात का जवाब दे दीजिए, आपकी समझ और आपका समाज मतलब वैलिड है और हमारी समझ और हमारा समाज जवाब दीजिए ना गाले भाई, जो वो बोल रहे हैं कि आप जवाब दे दो ना, यानी जो उन्होंने सवाल पूछा ना कि आपकी समझ समझ, आपका समाज समाज, हमारी समझ और हमारे समाज की कोई अहमियत नहीं, आप कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। मैं बता रहा हूँ, हाँ, इंसानों को ना लिमिट तक में बंदिश दी जाती है, ठीक है, या तो रोबोट पाल लो या जानवर पाल लो, इंसानों को लिमिट तक में बंदिशें रखनी होती है, ज्यादा बंदिशें रखनी है तो या रोबोट पाल लो या फिर जानवर पाल लो, लिमिट कौन तय करेगा? वही बोल रहा हूँ, अगर जरूरत से ज्यादा बंदिशें डालनी हो ना तो इंसान को हटाओ, साइड करो, रोबोट पाल लो या जानवर पाल लो या पेड़ पौधे रख लो, आप लिमिट कौन तय करेगा? आप किसी बात का जवाब नहीं देते, दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैं तो अपनी समझ बता चुका, मैं अपनी समझ बता चुका, हमारी समझ, हम अपनी समझ के हिसाब से ना करें, आपकी समझ के हिसाब से करें, तो वही बता रहा हूँ, जरूरत से ज्यादा अगर पाबंदी लगानी हो समझ आपकी समझ के हिसाब से करें, आप पहनेंगी मैं ये बोल रहा हूँ कि जरूरत से ज्यादा अगर पाबंदियां लगाना हो तो नहीं, हम जरूरत से ज्यादा नहीं लगा रहे, हम जरूरत में रह करके लगा रहे पाबंदियां, आपको जरूरत से ज्यादा लगता है, जरूरत के, जरूरत कौन तय करेगा, जरूरत की लिमिट कौन तय करेगा, आपकी समझ? विजय गांधी भाई, आपके सवाल का जवाब हो गया मेरे ख्याल से। चलो, तो मेरे ख्याल से काफी सोचने के लिए कोई बात तो है आज। हाँ जी, शुक्रिया।